नमस्ते, अहम योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरती के बारे में। जी हाँ, आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाह रहा है और लोग बहुत ही कोशिश भी कर रहे हैं। लोग फेशियल करा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, लेकिन फिर भी खूबसूरती नहीं आ रही। जी हाँ, क्योंकि खूबसूरती आएगी कैसे? क्योंकि आप बाहरी खूबसूरती चाह रहे हो, इंटरनली यानी अंदर से कोई खूबसूरत बनना नहीं चाहता। तो जी हाँ, मैं हूँ योगाचार्य विनायक, जीवन है अनमोल, योग एक सहयोग। आज हम बात करने वाले हैं फेस योगा के बारे में। जी हाँ, कंप्लीट फेस योगा करने वाले हैं कि आप अपने चेहरे को यानी शरीर के साथ साथ चेहरे के साथ साथ अपने शरीर को भी सुंदर किस तरीके से बनाए, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको अंदर से भी और बाहर से भी खूबसूरत बना सकता है, आपके विचारों से भी खूबसूरत बना सकता है। कहते हैं वह इंसान वहीं सबसे ज़्यादा खूबसूरत है जिसके अंदर से यानी अंदर से खूबसूरती भी हो, बाहर से भी खूबसूरती हो, उसके विचार भी खूबसूरत हैं, उसके सोचने की थिंकिंग भी अच्छी हो, हेल्पफुल हो, वही इंसान खूबसूरत है। नहीं तो कोई इंसान खूबसूरत दुनिया में है ही नहीं। तो जी हाँ, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका अभ्यास करना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह सेल से बना हुआ है। यानी सेल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, इस छोटे छोटे जीव हैं। जैसे कि अगर देखो आपको कहीं कट लग जाता है तो कैसा तो है नहीं कि पूरा शरीर खराब हो जाए, आप वहाँ पे दवाई पट्टी करते हो फिर वो ठीक हो गया, फिर वो जगह सही हो जाता है। इसीलिए क्योंकि सेल की खूबसूरती यही है, क्योंकि आपका कुछ भी हो जाए बट पूरा शरीर नष्ट नहीं होता, आप समझ रहे हो, जो चीज़ें सेल से बनी होती हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे जो शरीर में सेल्स हैं वह हैं 70 से 90 ट्रिलियंस, यानी कैलकुलेटर यूज करोगे तो वो भी फेल हो जाएगा, आप समझ रहे। तो आज हम देखते हैं कि अपने सेल्स को किस तरीके से एक्टिवेट करें। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसको यदि आपने एक्टिवेट कर लिया तो फिर आपकी खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी, साथ में पैसों की भी बचत और लाइफ टाइम की खूबसूरती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सीधे बैठ जाना है। बैठने के बाद हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आई रोटेशन से। जी हाँ, हम आंखों को रोटेशंस करेंगे, रोटेट करेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज 5-5 टाइम्स। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो आपको बिल्कुल सेंटर में, तो लुक डाउन एंड रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट। एंड राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना है। अभी आपको आपके आइज को स्ट्रेच करना है, यानी लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, अप एंड डाउन। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। लुक योर लेफ्ट शोल्डर, लुक योर राइट शोल्डर, लुक डाउन, लुक अप, बट फेस को फिक्स रखिए। अगेन लुक लेफ्ट राइट डाउन अप, लेफ्ट राइट डाउन अप। अभी अपोजिट स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट डाउन अप, लेफ्ट राइट डाउन अप, अभी अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, अगेन डाउन अप लेफ्ट राइट, डाउन अप अप लेफ्ट राइट, सेंटर एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से पहले आपके आंखों के लिए भी करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको इस तरीके से सामने आपके थंब को लेना है, आपके थंब गेजिंग करेंगे। तो इस तरीके से लेने के बाद आपके थंब को ध्यान से देखना है और देखते हुए धीरे धीरे आपके हाथ को इस तरीके से साइड में लेके जाना है, इस तरीके से थोड़ा साइड में लेके जाइए, फिर धीरे धीरे यहाँ से देखते हुए सामने की तरफ लेके आइए, पूरा कंप्लीट जिधर तक आप लेके जा सकते हैं। बस ध्यान रखिए आपके पलकों को ज़्यादा ऐसे झपकाना नहीं है, बिल्कुल खुली रखिए, थोड़ा आंखों पे स्ट्रेन आने दीजिए, थोड़ा आंसू आने दीजिए। वो बचपन में हम ज़्यादा रोते थे ना, उसका भी एक फ़ायदा था, क्योंकि आंसू एक ऐसी जो है कि क्रीम यानी मरहम है जो हमारी आँखों की चमक को बढ़ा देता है। देखो जब भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो भी हम रोते हैं, तो भी हमारी आँखों की चमक बढ़ती है। ऐसे आपके नोज के पास लेके आइए और धीरे धीरे फिर वापस लेके जाइए एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से अभ्यास करेंगे। इसके बाद आपको आपके फेस क्या, आपके सेल्स, इसके बाद इसके बाद अभी हम फेस के लिए करेंगे। तो आपको पाउट बनाना है, तो इस तरीके आप देखिए कैसे पाउट बनाएंगे, थोड़ा चिन सामने की तरफ, अभी इसके बाद पाउट, थोड़ा चिन ऊपर एंड देन ओपन माउथ को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, देखिए पूरा स्ट्रेच होने देना अच्छे से। राइट साइड सेंटर, लेफ्ट
सेंटर एंड देन हाथ को यहाँ पे थोड़ा रख भी सकते हैं। बहुत लोगों को ना जबड़े फंस जाते हैं, आप ना जिसको अगर थोड़ा वीकनेस रहेगा या प्रोटीन की कमी रहेगी ना तो जबड़े फंसते भी हैं, तो हाथ ऐसा रख सकते हो आप। इसके बाद अगर आप शीतली शीतकारी करते हैं, प्राणायाम में शीतली शीतकारी आती है, यदि आप उसका अभ्यास करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे कर लेना, वो भी बहुत ही फायदेमंद है। देखिए कैसे आपको शीतली करना है, आपके टंग को बाहर निकालेंगे और आपको एयर को अंदर खींचना है और फिर दांतों को क्लोज करके यानी दोनों टीथ को मिला के बाहर निकालना है। इसके बाद आपको आपके चीक को थोड़ा शगिन करना है, ऐसे पाउडर बनाना है। पहले हम सेल्फी भी बहुत निकालते थे, याद है ऐसा, तो अभी तो ट्रेंड चला गया तो इसलिए लोगों के अभी गाल जो चबी चबी ऐसे बढ़ जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो थोड़ा एयर भरिए मुंह में, इसके बाद आपके इंडेक्स फिंगर से यानी बाकी के फिंगर फिक्स इंडेक्स फिंगर से इस तरीके से हुक बनाएंगे, आपके फोरहेड के ऊपर लगाना है। देखो ऐसे लगाने के बाद आपको अच्छे से रब करना है पूरे फोरहेड को, आप समझ रहे हो, पूरा ऐसा ऐसा आपका जो स्किन है फेस का पूरा रब करना है, ऐसे ऐसे पूरे रब करने हैं आपको, पूरा आपको नेक से लेके पूरा ऊपर तक अच्छे से रब करो, ऊपर की तरफ रब करना है। याद रखो जो भी मैंने बात किया था सेल के बारे में, आपके एक एक सेल को एक्टिवेट करना है, यानी आपके फोरहेड, चीक्स, आपके चिन, बैक ऑफ द चिन, पूरे आपके फेस को ऊपर की तरफ अच्छे से रब करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद फिर इस तरीके से आपको साइड वाइज फिर इस तरीके से रब करना है। दो फिंगर्स लीजिए अभी, मिडिल इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर्स को, फिर यहाँ से देखो लगाना है फोरहेड के ऊपर से इधर, फिर पीछे ईयर के पीछे लेके जाएंगे, फिर अगेन ऊपर, फिर इस तरीके से आपको रब करना। रिलैक्स। इसके बाद आपका जो थंब है यहाँ पे लगाओ, देखो ऐसे साइड में, जैसे वो कहते हैं ना हमारा सिर बहुत दर्द हो रहा है तो हम इधर थंब लगा के इसे पकड़ के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे लगाओ थंब। हेडेक के लिए भी बहुत ही अच्छा है, यदि आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है रोजाना करो, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी थ्री फिंगर्स को इस तरीके से फोरहेड पर रखो, इस तरीके से इधर की तरफ इधर लेके आओ और लेफ्ट हैंड से इधर को इधर लेके आओ, इस तरीके से। आपका खुद का मसाज आप खुद कर सकते हैं, अगर आप सिंगल रह रहे हैं, आपको कोई पार्टनर नहीं है तो आप खुद भी मसाज कर सकते हैं। यस, इस तरीके से मैं तो रोजाना कर लेता हूँ, जब भी मुझे हेडेक होता है, वैसा होता तो नहीं है बट फिर भी कर लेता हूँ कभी कभी। तो इस तरीके से आपको इसका ये ऐसे हेडेक फोरहेड का मसाज कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद आपके रिंग बेबी फिंगर को ईयर के अंदर ऐसे डालेंगे और डाल के ऊपर की तरफ रोल करके आपके ईयर को थोड़ा खोलना है, ऐसे ऊपर उठाओ, ऐसे देखो आवाज़ आएगी, ऐसे लगाना है, ऐसे घुमाओ, ऊपर उठाओ, आवाज आएगी, एंड देन एंड रिलैक्स। इसके बाद दोनों पाम रब करो अच्छे से, पूरा हीट हो जाए, थोड़ी आंखों की सेकाई आंखों के ऊपर लगाइए, अब पूरे फेस पे घुमाते हुए नमस्ते। तो इस तरीके से यदि आप इसका रोजाना अभ्यास करते हैं तो आपके फेस की ग्लो बनी रहेगी और साथ साथ में आप अपने चेहरे को इंटरनली यानी आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करें और इसका लाभ लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें और इस तरीके से अभ्यास करते रहें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर वीडियो हमारी पूरी टीम बनाएगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।